राष्ट्रमंडल राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के सीपीए की कार्य समिति के समापन समारोह में असम के राज्यपाल महामहिम माननीय जगदीश मुखी जी, सीपीए के एक्टिव चेयरपर्सन एक्सलेंसी हियान लिडल गेंगर जी, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरवंश जी, असम विधानसभा के अध्यक्ष माननीय विश्वजीत देमारी जी, सभी राज्यों से आए विधानसभा के अध्यक्षगण उपाध्यक्षगण, विधान परिषद के चेयरमैन डिप्टी चेयरमैनगण, असम विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर नुमाल मोइन जी, मंत्रिमंडल के मान्य सदस्यगण, सांसदगण विधायकगण, सभी अधिकारीगण कर्मचारी साथियों, ये बड़े हर्ष का विषय है कि असम की इस ऐतिहासिक धरती पर जो पावन ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है, उस गुवाहाटी शहर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत के 8वें सम्मेलन का समारोह हो रहा है। इससे पहले राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कार्य समिति की मध्यवर्षीय बैठक जो भारत में पहली बार आयोजित हुई, इन दोनों सम्मेलनों के माध्यम से लोकतंत्र को एक नई दिशा मिली है और हमारा लोकतंत्र और सशक्त मजबूत होगा। इस सारे कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं असम विधानसभा के अध्यक्ष श्री विश्वजीत देमारी जी, इस राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमती श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जिस गर्म जोशी के साथ उन्होंने अतिथियों का सत्कार किया, इस सम्मेलन की उत्कृष्ट व्यवस्था की, मैं पूरी सभा की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है इस सम्मेलन में जो विचार विमर्श हुआ है, जो चर्चा संवाद हुई है, जो निष्कर्ष निकले हैं, वह सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के लिए अत्यंत सार्थक और उपयोगी सिद्ध होंगे। इसमें हमें ऐसे कदम उठाने में मदद मिलेगी जो इस सम्मेलन के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक होंगे। इस सम्मेलन में जिन माननीय पीठासीन अधिकारियों ने चर्चा में भाग लिया, अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त किए, अच्छे सुझाव दिए, उनकी सक्रिय भागीदारी रही, उसके लिए मैं सभी पीठासीन अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। साथियों, ऐसे सम्मेलन हमारे विधायी निकायों में ठोस लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय पद्धतियों
और प्रक्रियाओं को सुस्थापित करने और विभिन्न विधानमंडलों में आपस में चर्चा संवाद से जो अनुभव जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हम साझा करते हैं उसका सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को लाभ मिलता है। इससे हमारा लोकतंत्र अधिक जवाबदेही सहभागी और सार्थक बनने में इन चर्चाओं से मदद मिलती है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय जो यहाँ उपस्थित हैं उन्होंने हमारे कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। इस बार हमने कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा संवाद किया जिसमें समाज के आकांक्षी वर्गों के बेहतर भविष्य के लिए विधायकों की भूमिका। इस सम्मेलन में हमने व्यापक रूप से चर्चा की कि किस तरीके से हम आकांक्षी वर्गों की बेहतर भविष्य के लिए विधायिकाओं की भूमिका हो हम अधिकतम चर्चा और संवाद इन आकांक्षी वर्गों के बारे में अपने अपने विधानमंडलों में करें ताकि इन आकांक्षी वर्ग और आकांक्षी क्षेत्रों का विकास हो सके उनका आर्थिक सामाजिक परिवर्तन हो सके। इस प्रक्रिया के अंदर युवाओं की ऊर्जा और क्षमता किस तरीके से उपयोग हो लोकतंत्र में उनकी किस तरीके से सक्रिय भागीदारी हो किस प्रकार युवा केंद्रित नीतियों का निर्माण हो इस विषय पर भी व्यापक चर्चा हुई। हमारे पीठासीन अधिकारियों ने समाज में शिक्षा उनके संस्कार उनकी संस्कृति युवाओं के मुद्दे उस पर अलग अलग विधानसभाओं में किए जा रहे काम सरकारों के किए काम उस पर भी व्यापक चर्चा संवाद किया और अपने विचार व्यक्त किए। मैं समझता हूँ इन सम्मेलनों के चर्चा करने से अपने अपने विचार व्यक्त करने से एक लोकतंत्र में एक दिशा मिलती है और इसीलिए हम इन चर्चाओं के माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधियों से आग्रह करेंगे निवेदन करेंगे कि वह अपने अपने क्षेत्र के आकांक्षी वर्ग आकांक्षी क्षेत्र की समस्याओं को कठिनाइयों को विधानसभाओं विधानमंडलों के माध्यम से सरकार में ध्यान डालें ताकि हम पूरे देश का एक सामूहिकता के साथ समानता के साथ विकास कर सकें। हमारे जनप्रतिनिधि चर्चा करते समय इन वर्गों के लिए टॉस नीतियां बनाने की इसलिए चर्चा करेंगे और किस तरीके से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने में उनके विचार भी व्यक्त करेंगे। हमारे विधानमंडलों में इस बात की हमने व्यापक चर्चा की कि किस तरीके से हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर युवाओं की सक्रिय भागीदारी निभाएं उनकी ऊर्जा का उनकी क्षमता का किस तरीके से उपयोग करें ताकि देश प्रदेश में व्यापक सकारात्मक बदलाव आ सके। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के नौजवानों की क्षमताओं को समझाए उनकी ऊर्जाओं को समझाए इसलिए उनका प्रयास रहता है कि इस देश में अगर बदलाव लाना है तो हमारे इन नौजवानों की ऊर्जा उनकी व्यापक क्षमता उनके नवाचार नवोन्मेष और नई नई उनकी सोच नजरिया
इस देश में व्यापक बदलाव ला सकता है। और हमारे सभी पीठासीन अधिकारियों ने भी इसी दिशा के अंदर अपने सार्थक विचार व्यक्त किए हैं। मुझे आशा है कि हम सब लोग सामूहिकता के साथ मिलकर इन युवाओं के माध्यम से नए भारत के भविष्य के निर्माण में उनकी ऊर्जा, उनकी क्षमता, उनकी नई सोच, उनके नए इनोवेशन का सकारात्मक उपयोग करेंगे। और इसीलिए हमने इन विषयों पर दो प्रस्ताव भी पारित करने का निर्णय किया है। और इन प्रस्ताव में विशेष रूप से युवा केंद्रित नीतियों का कार्यान्वयन एवं राष्ट्रीय विकास और लोक हित के लिए युवाओं की ऊर्जा का उपयोग विषय हमने लिया था। और हमने निर्णय किया है कि भारत की संविधानता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में जब देश में अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम सभी विधानमंडल युवा केंद्रित नीतियों का कार्यान्वयन एवं राष्ट्रीय विकास, लोकहित और युवाओं की ऊर्जा का व्यापक उपयोग करेंगे। हम इसके माध्यम से अपने अपने विधानमंडलों के माध्यम से सरकार से चर्चा करके, स्वयं संस्थाओं से चर्चा करके, अन्य लोगों से चर्चा कर समाज के हर वर्ग को इस अमृत महोत्सव में, इस कार्यक्रम में शामिल कर उनमें नई जागृति पैदा करने का काम करेंगे। साथियों, जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हमें ये विचार आता है कि किस तरीके से हमारे नौजवानों ने इस देश की आज़ादी को दिलाने में अपनी कुर्बानियाँ दी, बलिदान दिया। और 7 दशकों के अंदर जब जब भी देश और प्रदेश में एक सकारात्मक बदलाव की दिशा दी तो उसमें युवाओं की विशेष भूमिका रही। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम किस तरीके से इस अमृत महोत्सव में उन युवाओं में ये प्रेरणा पैदा करें कि वह देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की भावना से अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से समर्पण कर देश और प्रदेश के विकास में अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग इस देश को लिए दे। यह हम सबका एक बातचीत में, चर्चा में एक निर्णय निकला है। मुझे आशा है हमारी नई पीढ़ी नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जिस तरीके से हमारे कई साथियों ने अभी विचार व्यक्त किया, हमारे उपसभापति जी ने विचार व्यक्त किया कि किस तरीके से कठिन चुनौतियों में, कठिन से कठिन परिस्थितियों के अंदर हर चुनौतियों का ठीक से समाधान निकालने का काम इस देश में युवाओं ने किया है। हमारे युवाओं के नवाचारों को हम अगर चर्चा करने लगे तो दुनिया के अंदर हमारे नौजवानों की नवाचारों की ताकत, उनके आईटी सेक्टर, अन्य उनका विज्ञान, तकनीकी, तमाम क्षेत्रों की अगर चर्चा करने लगे तो दुनिया में भी जो परिवर्तन हुए उसमें भारत के नौजवानों की भूमिका है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि उन तमाम युवाओं को हम समग्र रूप से उनकी क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए इन लोकतांत्रिक संस्थाओं का उपयोग करें। मुझे आशा है कि जो चर्चा और संवाद होंगे, जो निर्णय हमारे हुए हैं, उन निर्णयों से एक सारगर्भित और सार्थक परिणाम यहाँ पर निकलेंगे। मुझे आशा है कि आप सभी अपने अपने विधानमंडलों के माध्यम से राज्य सरकारों से चर्चा करके अपने यहाँ के राज्य के विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और अन्य ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों के साथ मिलकर इस अमृत महोत्सव के माध्यम से एक व्यापक कार्य योजना बनाएंगे, जिससे कि हम हमारे नौजवानों की क्षमता का अधिकतम उपयोग कर सकें और उन सब नौजवान राष्ट्र के में अपना योगदान दे सके और अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करते हुए, राष्ट्र को समर्पित करते हुए देश और प्रदेश को
आगे बढ़ाने की दिशा में काम करें। केवल हमारे आर्थिक सामाजिक नहीं, हमारे सांस्कृतिक और संस्कृति के रूप में हमारे युवा हमेशा अग्रदूत के रूप में रहें। इसलिए जहां आर्थिक परिवर्तन में भूमिका हो, सामाजिक परिवर्तन में भूमिका हो, भारतीय संस्कृति और आध्यात्म में भी उनकी व्यापक भूमिका रहे, इसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। आज आइए हम सब मिलकर अपने अपने राज्यों में जो निर्णय हमने लिए, जो फैसले लिए, जो प्रस्ताव हमने पारित किए, उन प्रस्तावों को अमल में लाएं और इस देश में अमृत महोत्सव के माध्यम से एक नए सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण भारत में पैदा करें, ताकि जब आज़ादी के 100 साल और शताब्दी के, तो दुनिया के अंदर भारत आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति के अंदर सबसे अग्रिम पंक्ति का देश बने। मैं यहाँ पर पधारे सभी पीठासीन अधिकारियों, सांसदों, विधायकों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ और विशेष रूप से असम विधानसभा और असम सरकार के सभी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने एक भव्य तरीके का आयोजन किया। मैं लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव, वहाँ के अधिकारियों ने जिस तरीके का सार्थक काम किया, उसके लिए भी मैं साधुवाद देता हूँ। इस सम्मेलन में पधारने पर आपकी नॉर्थ ईस्ट की यात्रा में, जो गुवाहाटी इसका मेन सबसे द्वार है, वहाँ आपकी यात्रा सुखद रही होगी, सुंदर रही होगी और मुझे आशा है यहाँ की जो स्मृतियाँ आप लेकर जाएंगे, अपने अपने क्षेत्र में भी जब इस तरीके के कार्यक्रम हो तो उसी तरीके का उत्कृष्ट आयोजन आप करेंगे, ताकि जो आयोजन यहाँ पर किया है उसके लिए मैं पुनः विधानसभा के अध्यक्ष जी को तालियां बजाकर आग्रह करूँगा कि उनका अभिवादन करें, स्वागत करें। अंत में आप सबको यहाँ पर आने वाले समय में बुहाग बिहू की एक संस्कृति उत्सव होता है पूरे महीने भर, उस उत्सव की भी मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये प्रदेश एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बहुरंगी संस्कृति का प्रदेश है। मुझे आशा है भारत में यहाँ की बहुरंगी संस्कृति हमेशा एक नई दिशा देती रहेगी और यहाँ का सम्मेलन, जो चर्चा और संवाद हुआ, वह भी इस अमृत महोत्सव के माध्यम से पूरे देश में एक नई दिशा देगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।